गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा काम पाठ हमारा वही चल रहा है एक माँ की बेबसी। और इसमें हमने जो आपके लिए काम लिया है वो है कविता से। प्रश्न एक है, एक बच्चा कवि के, यहाँ पे कविता आ रहा है ना बच्चों, कविता नहीं है यहाँ पर, कवि है ये, ठीक है। एक बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं। क है, कवि को मालूम नहीं था कि बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। ख है, पड़ोस में रहने वाले सभी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद भी वह बच्चा दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। अब आपके लिए प्रश्न बनता है इन ऑप्शंस में से कि इनमें से कौन सा उत्तर तुम्हें सही लगता है। क्या कोई और उत्तर भी हो सकता है? है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि यही उत्तर हो, कोई और उत्तर भी हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर बनता है बच्चों, कवि को मालूम नहीं था कि बच्चा सही सही किस घर में रहता है, ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। अगला काम है आपके लिए अंदर की छटपटाहट, उसकी आँखों में किस रूप में प्रकट होती थी। इसके तीन ऑप्शन है, पहला है चमक के रूप में, दूसरा है डर के रूप में, और तीसरा है जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तो इसका उत्तर बनता है डर के रूप में। इसके बाद मैंने जो आपके लिए एक्सरसाइज ली है वो है तरह तरह की भावनाएं। सबके अंदर होती ना तरह तरह की भावनाएं, ये भी आपके बुक की एक्सरसाइज है। इसमें प्रश्न एक बना है आपके लिए, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं। क है छटपटाहट, इसका आंसर बन रहा है बच्चों अधीरता, इच्छा, संदेश। तो अधीरता कब पैदा होती है? कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर है, पर घर में ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। हो सकता है वो आपकी बुआ हो सकता है वो आपकी मौसी हो, या और कोई हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो, और एक हफ्ता भी स्कूल चलना है और उसके बाद वो चली जाएंगी तो आप अधीर हो जाते हैं, है ना। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है। ये तो बिल्कुल बच्चों पक्की बात है, है ना, घंटी लग गई, टीचर ने पढ़ाना बंद ही ना किया और अब पढ़ाना बंद करें पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सांसें लेने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखने लगते हैं ना। तो इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन है छटपटाहट की भावना बच्चों तब महसूस होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता। ऊपर दिए गए तीनों अर्थों में से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है, रतन बोलने में असमर्थ था, इसलिए तरह तरह के इशारों से वह बच्चों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता था, परंतु बच्चे उसके इशारे समझ नहीं पाते थे। वह इस बात पर दुखी हो जाता और छटपटाहट महसूस करता था। तो ये आपका आज का काम है, इसे आप सफाई से लिखिए और साथ साथ आप इस काम को याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का काम इतना ही।